नेक्स्ट टॉपिक है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। ठीक, तो उसके कुछ दो फिनोमिना है, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। तो हम कभी भी स्टार्स को देखते हैं नाइट में तो ट्विंकलिंग दिखते हैं। दूसरा है एडवांस सनराइज एंड डिले सनराइज, ओके नेक्स्ट पेज पे। ठीक है, तो समझ लेते हैं। यू माइट हैव ऑब्जर्व द अपेरेंट रैंडम वेवरिंग और फ्लिकरिंग ऑफ ऑब्जेक्ट्स सीन थ्रू अ टर्बुलेंट स्ट्रीम ऑफ हॉट एयर राइजिंग अबव अ फायर और अ रेडिएटर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिखा हुआ है कि जब हम कभी कोई फायर को देखते हैं, ठीक है, कोई बर्नर होता है, ठीक है, अपना जब अपना घर का जो बर्नर है गैस स्टोव उसको देखना, तो वहाँ पे जो फ्लेम होगी, सपोज इस तरह के पूरी फ्लेम हो रही है, तो आप देखोगे कि क्लियर से ध्यान से देखोगे ना तो वो एकदम नियर में देखोगे फ्लेम के, तो वहाँ पे आपको कुछ रैंडम वेवरिंग दिखेगा जस्ट। ठीक है, तो बेसिकली उसका रीज़न क्या है कि वो हॉट एयर है, उसके नज़दीक जो है वो हॉट एयर है, उसके थोड़े दूर कोल्ड एयर है, तो उस वजह से रिफ्रैक्शन होता है और इस रिफ्रैक्शन की वजह से आपको वो सब दिख रहा है। ठीक, फायर है या रेडिएटर है, कभी कोई जगह पे मतलब हमने कभी आग लगाई हो बड़ी सी, ठीक है, तो आप वहाँ पे देखोगे तो उसके आर पार में भी नज़दीक में जो होगा वहाँ पे आपको ऑब्जेक्ट से पीछे के वो सब फ्लिकर करते हुए दिखेंगे, थोड़ा बहुत ब्लर होते फिर वापस आ जाते, इस तरह से दिखेगा। तो वो क्यों हो रहा है, वो रिफ्रैक्शन की वजह से हो रहा है। द एयर जस्ट अबव द फायर बिकम्स हॉटर देन द एयर फर्दर अप। तो ठीक है, तो ये फ्लेम है तो फायर है, ठीक, तो उसके एकदम नियर की जो एयर है, सपोज इतना रीजन है, तो ये एयर हॉट एयर होगी, ठीक है, और उसके पीछे और बाकी के साइड में जो एयर है वो कूल एयर है, तो इस वजह से एयर है तो उसमें भी एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफरेंट हो जाता है। ठीक है, एक डेंस है और एक लाइट है, तो इस वजह से रिफ्रैक्शन होता है, जो लाइट का जो रे है तो वो बैंड होगा, ठीक है, तो वो बैंडिंग की वजह से ही हमें ये सब देखने को मिलता है। द हॉटर एयर इज लाइटर यानी कि लेस डेंस, ठीक है, उसकी डेंसिटी कम होती है और कूलर एयर की डेंसिटी ज़्यादा होती है। ठीक, तो क्या होगा कि हॉटर एयर है वो ऊपर जाएगी और कूलर एयर है वो नीचे आएगी। That the cooler air above it, ठीक है, हॉटर एयर इज लाइटर लेस देन देन द कूलर एयर अबव इट एंड हैज अ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स स्लाइटली लेस देन दैट ऑफ द कूलर एयर। तो हॉटर एयर है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स थोड़ा सा कम है कूलर एयर के, ठीक है, इसलिए रिफ्रैक्शन तो है लेकिन बहुत बड़ा हैवी रिफ्रैक्शन नहीं है जो हम लाइट या प्रिज्म के केस में हम देखते हैं उसका। सिंस द फिजिकल कंडीशन ऑफ द रिफ्रैक्टिंग मीडियम एयर आर नॉट स्टेशनरी, द अपेरेंट पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट एज सीन थ्रू द हॉट एयर फ्लक्चुएट। ठीक है, तो यहाँ पे हॉट एयर है, ठीक है, फ्लेम है, तो उसके पीछे की हम कोई चीज़ देखेंगे तो वहाँ पे वो फ्लक्चुएट करती हुई दिखेंगी थोड़ी बहुत। ठीक है, उसका रीज़न क्या है कि जो फिजिकल कंडीशंस है, ठीक है, मीडियम एयर की, तो हॉट कोल्ड तो एकदम स्टेशनरी नहीं है कि फिक्स, ठीक है, उस कभी कभी ज़्यादा एयर हॉट हो जाती है, कभी कूल हो जाती है, कभी कभी थोड़ा बहुत विंड होता है, तो इस वजह से जो पीछे की जो पोजीशन है ऑब्जेक्ट वो आप वो फ्लक्चुएट होते दिखेंगे। ठीक है, आप आज ये एक्सपेरिमेंट करना, जो गैस का जो स्टव है उसको फुल स्पीड पे रखना और उसके बाद उसके पीछे के जो ऑब्जेक्ट हो या टाइस हो तो उसको ऑब्जर्व करना एक साइड से, ठीक है, इस साइड से रह के, तो आपको क्लियरली दिखेगा वो फ्लक्चुएट हो रहा है, तो उसका रीज़न रिफ्रैक्शन है। ठीक है, और फ्लक्चुएट हो रहा है क्योंकि वो स्टेशनरी नहीं है, ठीक है, जो मीडियम है वो भी फ्लक्चुएट हो रहा है, हॉट एयर कूलर, हॉट एयर है तो वो क्या करेगा, जो कूल एयर है उसमें हीट ट्रांसफर करेगी, तो इस वजह से मीडियम थोड़ा फ्लक्चुएट होता है। इसलिए दिस वेवरिंग इज दस एन इफेक्ट ऑफ एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। तो इसका रीज़न है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, एटमॉस्फेयर में हॉट एयर और कोल्ड एयर दोगे इस वजह से। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बाय द अर्थ एटमॉस्फेयर, तो अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है वो सिर्फ एयर का ही है तो भी उसमें भी रिफ्रैक्शन होता है क्योंकि ये हॉट एयर और कूल एयर उसकी वजह से। ऑन अ स्मॉल स्केल इन आवर लोकल एनवायरमेंट, तो बहुत स्मॉल रिफ्रैक्शन होता है, इतना हैवी नहीं होता है जितना ग्लास में होता है। द ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स इज अ सिमिलर फिनोमिनन ऑन अ मच लार्जर स्केल। ठीक है, तो जो स्टार जो ट्विंकल कर रहे हैं उसका रीजन हमारा एटमोसफेयर का रिफ्रैक्शन है। लेट अस सी हाउ वी कैन एक्सप्लेन इट। तो यहाँ पे पूरा थियरी है ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, तो ये स्टार है, ठीक है,
स्टार्स में से रे आ रहा है, ठीक है। तो सपोज कर लो ये हमारा एटमोसफियर है, ठीक है। देखो हमारा ये अर्थ है, उसके अराउंड में एक बड़ा सा एटमोसफियर है, उसमें एयर है, ठीक है। अब जो स्टार से जो रे आ रहा है तो वो क्या हो रहा है, वो कंटिन्यूसली एटमोसफियर में रिफ्लेक्ट होगा, ठीक है। तो उसकी वजह से जो ऑब्जर्वर है उसकी आइस में जा रहा है तो वो इस डिरेक्शन में जा रहा है, तो उसको ऐसा लगेगा कि स्टार की पोजीशन ये है, बट कि एक्चुअल स्टार की पोजीशन ये होती है। और हमारा जो मीडियम है एटमॉस्फेयर का, वो भी स्टेशनरी नहीं है, उसकी हॉट एंड कूल वो चेंज होता रहता है थोड़ा बहुत, तो उस वजह से वो स्टार ट्विंकल करे वैसा लगता है, ठीक है। रिफ्रेक्टिव इंडेक्स इंक्रीजिंग, तो समझ लेते हैं कंप्लीटली, ठीक है। तो ये एक्चुअल स्टार की पोजीशन है रे पाथ, और जो ऑब्जर्व को लगा कि स्टार यहाँ पे है इस तरह से, और वो भी थोड़ा बहुत मूव होता रहेगा, ठीक है। तो उस वजह से वो ट्विंकलिंग होता है वैसा लगेगा। द ट्विंकलिंग ऑफ ए स्टार इज ड्यू टू एटमोस्फेरिक रिफ्लेक्शन ऑफ सनलाइट। तो स्टार जो ट्विंकल कर रहा है उसका रीजन, स्टार एक्चुअली में ट्विंकल नहीं कर रहा है, लेकिन जो हमारा जो एटमोसफेयर है उसमें जो रिफ्लेक्शन होता है उसकी वजह से। द स्टार लाइट ऑन एंटरिंग द अर्थ एटमोसफियर अंडरगोस रिफ्लेक्शन कंटिन्यूअसली बिफोर इट रीचेस द अर्थ। तो ये जो स्टार लाइट है तो ऑब्जर्वर तक पहुंचे उससे पहले वो बहुत बार रिफ्लेक्ट होती है, ठीक है, कंटिन्यूअसली रिफ्लेक्ट होते होते आती है। द एटमोस्फेरिक रिफ्लेक्शन अकर्स इन अ मीडियम ऑफ ग्रेजुअली चेंजिंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। द एटमोस्फेरिक रिफ्लेक्शन है वो ग्रेजुअली चेंजिंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, मतलब अर्थ में जो ऊपर के सर्फेस के जो ऊपर है वहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफरेंट है, नीचे आते जाएंगे तो बदलता जाता है, चेंज होता जाता है। वो चेंज बहुत कम है, ठीक है। एयर का हमने पता था 1.003 है, और वैक्यूम का 1.000 लिया है, ठीक है। तो ये 1.00 में भी बहुत थोड़ा ही चेंज होता है, बहुत ही, लेकिन वो उसकी वजह से ट्विंकलिंग और ये सब हो रहा है। सी द एटमोसफियर बैंड्स स्टारलाइट टूवर्ड्स द नॉर्मल। द अपेरेंट पोजिशन ऑफ द स्टार इज स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम इट्स एक्चुअल पोजिशन। तो क्या हो रहा है कि एटमोसफियर है वो रिफ्लेक्ट करेगा ये लाइट रे को टूवर्ड्स द नॉर्मल, ठीक है। तो दिखाता हूँ किस तरह से है। तो यहाँ से एक रे आ रहा है, ठीक है, वो इस डिरेक्शन में जाना चाहिए, ठीक है। तो वो कहाँ जा रहा है, इस तरह से जा रहा है, ठीक है। तो बैंड हो रहा है नॉर्मल की ओर, ठीक है। हमारा अर्थ तो इस तरह से है, ये डिरेक्शन है उसका, तो पर्टिकुलरली उसके नॉर्मल की ओर जा रहा है। तो जो स्टार की जो अपेरेंट पोजीशन है जो दिखेगी अज्यूम होगा वो एक्चुअल पोजीशन से डिफरेंट होगी। द स्टार अपीयर्स स्लाइटली हायर देन इट्स एक्चुअल पोजीशन व्हेन व्यूड नियर द होरिजन, ठीक है। तो स्टार है तो वो एक्चुअल पोजीशन स्लाइटली अप दिखेगा। फर्दर दिस अपेरेंट पोजीशन ऑफ द स्टार इज नॉट स्टेशनरी। अब इस स्टार की जो पोजीशन है वो स्टेशनरी नहीं है, उसका रीजन है कि फिजिकल कंडीशन एटमोसफेयर वो स्टेशनरी नहीं है, हॉट एंड कूल ना वो, तो इस वजह से वो कंटिन्यूसली चेंज ही नहीं रहती, स्लाइटली चेंज होती रहती है, ठीक है। द अपेरेंट पोजिशन ऑफ द स्टार इज नॉट स्टेशनरी बट कीप्स ऑन चेंजिंग स्लाइटली सिंस द फिजिकल कंडीशन ऑफ द अर्थ एटमोसफियर आर नॉट स्टेशनरी एज वॉज द केस इन द प्रीवियस पैराग्राफ। तो अर्थ की जो फिजिकल कंडीशन है वो स्टेशनरी नहीं है, ठीक। अर्थ में बहुत कुछ होता रहता है, विंड आता है, विंड होता है, फिर हॉट एयर कूल एयर, तो वो भी डिफरेंस होता रहता है, ठीक है। तो उस वजह से फिजिकल कंडीशन स्टेशनरी नहीं है, उस वजह से स्टार है वो ट्विंकल होता है, नजर आता है। सिंस स्टार्स आर वेरी डिस्टेंस दे अप्रोक्सीमेट पॉइंट साइज सोर्स ऑफ लाइट। तो स्टार है वो बहुत 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 दूर है अर्थ से, ठीक है। तो उस वजह से उसको पॉइंट सोर्स ले सकते हैं, तो एक पॉइंट अर्थ के लिए वो एक पॉइंट सोर्स ही है, ठीक है। कितना स्मॉल है, और हम मून को देखते हैं वो कितना बड़ा है, और सन को देखते हैं वो कितना बड़ा है। एज द पाथ ऑफ रेस ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम द स्टार गोस ऑन वेरिंग स्लाइटली, ठीक है। द अपेरेंट पोजिशन ऑफ द स्टार फ्लक्चुएट्स। तो जो स्टार की पोजिशन है वो फ्लक्चुएट होती रहती है, एंड स्टार लाइट एंटरिंग द आई फ्लिकर्स द स्टार समटाइम्स अपियर ब्राइटर एंड समटाइम फेंटर। तो जो स्टार की है वो ब्राइटनेस चेंज होती रहती है, कभी ज़्यादा ब्राइट लगता है, कभी फेंटर लगता है, ठीक है, कभी डल लगता है, तो इस वजह से वो इफेक्ट है वो ट्विंकलिंग इफेक्ट है।
ठीक है, ट्विंकलिंग इफेक्ट है, द स्टार समटाइम्स अपियर्स ब्राइटर एंड एट सम अदर टाइम वेंडर, विच इज द ट्विंकलिंग इफेक्ट, वाई डोंट द प्लैनेट्स ट्विंकल, तो जो प्लैनेट्स है सोलर सिस्टम के, ठीक है, तो वो क्यों ट्विंकल नहीं करते, द प्लैनेट्स आर मच क्लोजर टू द अर्थ, ठीक है, तो जो प्लैनेट्स है वो अर्थ से बहुत क्लोज है जबकि स्टार बहुत ही डिस्टेंस पे है, तो इसको इसलिए स्टार पॉइंट सोर्स है और जो प्लैनेट्स है वो पॉइंट सोर्स नहीं है, एंड आर थस सीन एज एक्सटेंडेड सोर्सेज, इफ वी कंसिडर अ प्लैनेट एज अ कलेक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पॉइंट्स आर सोर्सेज ऑफ लाइट, तो ये पॉइंट सोर्स है और हम प्लैनेट्स को देखें तो वो कलेक्शन ऑफ पॉइंट सोर्सेज है, द टोटल वेरिएशन इन द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग अवर आई फ्रॉम ऑल द इंडिविजुअल पॉइंट्स आर सोर्सेज विल एवरेज आउट टू बी जीरो, तो ये एक सिंगल पॉइंट सोर्स है और इसमें मल्टीपल पॉइंट्स हो रहे हैं तो एक दूसरे की इफेक्ट को नलीफाई कर देते हैं, ठीक है, देयर बाय नलीफाइंग द ट्विंकलिंग इफेक्ट, तो ट्विंकलिंग इफेक्ट नलीफाई करते हैं, इसलिए हमने ऑलवेज सुना है कि ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, तो सिर्फ स्टार से ट्विंकल करते हैं और प्लैनेट्स नहीं करते हैं, ठीक है, क्योंकि प्लैनेट्स एक्चुअली में स्टार से तो बहुत ही छोटे हैं लेकिन वो अर्थ के बहुत ही नियर है, इस रीजन से प्लैनेट्स ट्विंकल नहीं करते और स्टार है वो ट्विंकल करता है, ट्विंकलिंग उसकी ब्राइटनेस चेंज होती रहती है और उसकी पोजीशन भी थोड़ी बहुत वेरिएट होती रहती है, ठीक है। नेक्स्ट है एडवांस सनराइज एंड डिलेड सनसेट, द सन इज विजिबल टू अस अबाउट 2 मिनट्स बिफोर द एक्चुअल सनराइज, ठीक है, तो बेसिकली ये फिनोमिनन है, ठीक है, ये होरिजोन है, जब सन ये होरिजोन को क्रॉस करता है, पर्टिकुलर ये पर्सन हम जो ऑब्जर्वर यहाँ खड़ा है तो उसके लिए ये होरिजोन है, ठीक है, अर्थ पर का कोई लोकेशन है, ठीक है, तो उसके लिए होरिजोन है, जब जब सन ये होरिजोन को क्रॉस करता है तभी वो मतलब सनराइज हुआ ऐसा कह सकते हैं, लेकिन बेसिकली क्या हो रहा है कि रिफ्लेक्शन हो रहा है, उस वजह से क्या होता है सन में से जो सन रे आ रहा है तो इस तरह आ रहा है और वो रिफ्लेक्ट होते होते ऑब्जर्व की आइस में यहाँ जा रहा है, तो ऑब्जर्व को ऐसा लगे कि वो सन एक्चुअली में यहाँ पर है, ठीक है, मतलब कि सनराइज हुआ नहीं है लेकिन ऑब्जर्व को ऐसा लगे कि सनराइज हो चुका है, ठीक है, अपेरेंट पोजिशन ऑफ द सन ऑब्जर्व, तो ये जो डिले है वो 2 मिनट्स का है, ठीक है, एंड अबाउट 2 मिनट्स आफ्टर द एक्चुअल सनसेट, तो सनसेट हो जाएगा तो उसमें भी 2 मिनट का गैप है, बाय एक्चुअल सनराइज वी मीन द एक्चुअल क्रॉसिंग ऑफ द होरिजोन बाय द सन, तो सन जब ये होरिजोन क्रॉस करे तब एक्चुअल सनराइज होगा, लेकिन ऑब्जर्वर को ऐसा लगेगा कि 2 मिनट पहले ही हो चुका है, जब क्रॉस करने वाला उसे 2 मिनट पहले ही सनराइज हो गया होगा, तो वो एडवांस सनराइज है और सनसेट डिलेड होता है उसमें। फिगर 11.10 शोज द एक्चुअल एंड अपेरेंट पोजिशन ऑफ द सन, ठीक, अब दूसरा केस कैसा होगी, सन अभी यहाँ है, अभी सन बाद में इस साइड पे आ जाएगा, ठीक है, सन तो नहीं घूमेगा लेकिन अर्थ घूमेगी, ठीक, तो सन हम एज्यूम कर लेते हैं कि इस साइड पे, तो ऑब्जर्व अपना डिरेक्शन चेंज कर लेगा, अपोजिट इन्वर्ट हो जाएगा और देखेगा, मतलब सपोज ये ऑब्जर्व के लिए ये ईस्ट है, ईस्ट में सनराइज होता है और वेस्ट, ठीक है, तो शाम को टर्न होके वेस्ट में देखा तो वेस्ट में भी सेम ही होगा, सनसेट जो होगा वो भी डिलेड होगा 2 मिनट्स, ठीक है, सनराइज एडवांस हो जाता है 2 मिनट पहले और सनसेट 2 मिनट बाद दिखेगा इस वजह से, ठीक है। फिगर 11.10 शोज द एक्चुअल एंड अपेरेंट पोजीशंस ऑफ द सन विथ रिस्पेक्ट टू द होरिजोन, तो यहाँ पे दोनों ही एक्चुअल पोजिशन दिए, एक्चुअली सन यहाँ पे है लेकिन अपेरेंटली उसको एज्यूम ऐसा होगा कि सन यहाँ पे, द टाइम डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल सनसेट द अपेरेंट सनसेट इज अबाउट 2 मिनट्स, तो सनराइज में भी 2 मिनट का गैप है और इसमें भी सनराइज में भी 2 मिनट का गैप है, सनराइज और सनसेट दोनों में 2 मिनट का डिले हो रहा है, द अपेरेंट फ्लैटनिंग द सन्स डिस्क एज सनराइज एंड सनसेट इज ऑल्सो ड्यू टू द सेम फिनोमिना, तो जो फिनोमिना है वो सेम ही है कि एटमोस्फेरिक रिस्पेक्ट रिफ्लेक्शन, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में 11.6 कैटरिंग ऑफ लाइट उसके ऊपर स्टडी करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है 11.6 स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ठीक है, तो बेसिकली स्कैटरिंग मीन्स कि लाइट का मतलब जो रिफ्लेक्शन हो वो इरेगुलर, ठीक है, सपोज हमारे एयर है, ठीक है, उसमें इस तरह के पार्टिकल्स है, डस्ट के पार्टिकल्स, तो यहाँ से लाइट्स आ रही है, पूरा लाइट सोर्स है, लाइट रेस, ठीक है, तो बेसिकली क्या होगा, कोई एक पार्टिकल को लाइट हीट करेगी इस तरह इस डायरेक्शन में जाएगी, दूसरे को हीट करके इस डायरेक्शन में, ठीक है, तो हर एक डायरेक्शन में लाइट जाएगी, तो ये जो हो रहा है उसको स्कैटरिंग कहता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ठीक
बेसिकली जो सनलाइट है तो वो एक वाइट लाइट है, वो टोटल 7 लाइट से बना हुआ है, जो रेनबो के 7 कलर्स है वो। तो बेसिकली क्या हो रहा है कि उसमें कुछ कलर्स के वेवलेंथ है तो वो कम है, तो उसकी वजह से उसके पर्टिकुलर स्कैटरिंग ज़्यादा होता है, बाकी जो बाकी कलर्स का कम होता है, ठीक है। इस वजह से हमें जो स्काई है वो ब्लू दिख रहा है, फिर स्काई ब्लू, उसके पीछे रीज़न भी स्कैटरिंग है कि अलग अलग कलर के लाइट्स का स्कैटरिंग डिफरेंट डिफरेंट होता है इस वजह से। फिर जो सन है, सनसेट और सनराइज, उस टाइम पे सन रेडिश नज़र आता है, रेड, और जब नून होगा मतलब 12 नून या हाफ ऑफ द डे, तब सन लेस ब्लू, लेस रेड नज़र आता है, ठीक है। तो ये सब प्रिंसिपल था, तो इसके पीछे एक ही फिनोमेना है स्कैटरिंग ऑफ लाइट, इसको समझते हैं। द इंटरप्ले ऑफ लाइट विथ ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस गिव्स राइज टू सेवरल स्पेक्टेकुलर फिनोमेना इन नेचर, ठीक है। द ब्लू कलर ऑफ द स्काई, तो स्काई का कलर ब्लू है, तो उसके पीछे रीजन स्कैटरिंग ऑफ लाइट है। कलर ऑफ वाटर इन डीप सी, ठीक है। द रेडनिंग ऑफ द सन एट सनराइज एंड सनसेट, जो सन होता है तो जो दोपहर के वक्त में होता है उससे ज़्यादा रेड सनराइज के टाइम में होता है और सनसेट के टाइम में होता है, ठीक है। आर सम ऑफ द वंडरफुल फिनोमिना वी आर फेमिलियर विथ। इन द प्रीवियस क्लास यू हैव लर्न अबाउट द स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय कोलोइडल पार्टिकल्स, ठीक है। तो कोलोइडल पार्टिकल्स क्या होता है, वो बहुत ही मतलब छोटे पार्टिकल होते हैं जो हम देख नहीं सकते लेकिन वो है, ठीक है। तो सपोज एक कोई सॉल्यूशन है, ठीक है, तो उसके अंदर छोटे छोटे कोलोइडल पार्टिकल्स है, ठीक है। हम अपनी आई से तो नहीं देख पाएंगे लेकिन वो पार्टिकल्स है, तो बस तब जो लाइट जाती है तो वो स्कैटर होती है, ठीक है। अब हम सॉल्यूशन को देखेंगे तो वो लग गए उसमें पार्टिकल्स हमें दिखाई नहीं देंगे लेकिन वो छोटे छोटे पार्टिकल्स है, उस वजह से लाइट स्कैटर होती है हर एक डायरेक्शन में, ठीक है। तो ये जो पार्टिकल्स है उसको कोलोइड्स कहते हैं। द पाथ ऑफ अ बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू अ ट्रू सॉल्यूशन इज नॉट विजिबल, तो ट्रू सॉल्यूशन यानी कि उसमें जो पार्टिकल की साइज होती है वो जो कोलोइड्स है उससे भी बहुत स्मॉल होती है, ठीक है, या फिर हम बोले कि नेग्लिजिबल है, ठीक है। सपोज वाटर है उसके अंदर हमने शुगर डिजोल्व कर दिया तो वो कोलोइडल सॉल्यूशन नहीं है उस, क्योंकि वो शुगर के पार्टिकल्स बहुत ही स्मॉल है, ठीक है, तो वो कोलोइड नहीं है, वो ट्रू सॉल्यूशन है। ट्रू सॉल्यूशन जिसमें कोलोइड नहीं होते, कोई पार्टिकल्स नहीं होता, उसमें से अगर लाइट का बीम जाए तो डायरेक्टली निकल जाएगा, लेकिन जब कोलोइडल सॉल्यूशन में होगा तो वो स्कैटर होगा, लाइट हर एक डायरेक्शन में स्कैटर होगी। स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ठीक है। हाउएवर इट्स पाथ बिकम विजिबल थ्रू अ कोलोइडल सॉल्यूशन वेयर द साइज ऑफ द पार्टिकल इज रिलेटिवली लार्जर, तो कोलोइडल सॉल्यूशन में पार्टिकल की साइज लार्ज होती है, तो उस वजह से जो लाइट है वो इस डायरेक्शन में जाने के बाद हर एक डायरेक्शन में स्कैटर हो जाए, तो हम उसको देख सकते हैं कि लाइट स्कैटर हुई एक्चुअली में, ठीक है। कोलोइड सॉल्यूशन ले उसके बाद हम कोई एक लाइट सोर्स ले तो उसमें डालेंगे तो हमें छोटे छोटे पार्टिकल्स दिखाई देंगे, या फिर हम एक हमको एक रूम में जा रहे हैं वहाँ पे जो डस्ट है बहुत, तो उस वजह से कहीं से हम एक लाइट सोर्स चालू कर रहे हैं, ठीक है, तो क्या होगा, तो हमें उस जो डस्ट के पार्टिकल जो हवा में उड़ रहे हैं तो वो क्लियरली दिखाई देंगे कि वो लाइट को स्कैटर कर रहे हैं, हर एक डायरेक्शन में भेज रहे हैं, ठीक है। तो 11.6.1 टिंडल इफेक्ट। द अर्थ एटमोसफेयर इज हिटरोजीनियस मिक्सचर ऑफ मिनट पार्टिकल्स, तो अर्थ का जो एटमोसफेयर है, ठीक है, ये अर्थ है, उसका सॉइल है, और जो एटमोसफेयर है जिसमें एयर है, हेटरोजीनियस मिक्सचर ऑफ मिनट पार्टिकल्स, उसमें बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स है एयर में, ठीक है, कुछ हमारे विजिबल है, हम डस्ट पार्टिकल्स को देख सकते हैं लेकिन उससे भी स्मॉल पार्टिकल्स है, ठीक है, तो ये पूरा एटमोसफेयर है, तो एटमोसफेयर में है। दिस पार्टिकल्स इंक्लूड स्मोक, टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स एंड सस्पेंडेड पार्टिकल्स ऑफ डस्ट, तो स्मोक है, स्मोक मतलब बर्निंग से जो आता है स्मोक, ठीक है, वो स्मोक है, फिर टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स, छोटे छोटे वाटर के ड्रॉपलेट्स है, सस्पेंडेड पार्टिकल्स ऑफ डस्ट, तो जो डस्ट उड़ती है तो वो भी है, एंड मॉलिक्यूल्स ऑफ एयर, तो एयर के मॉलिक्यूल्स, तो ये सब छोटे छोटे पार्टिकल्स एयर में एटमोसफेयर में प्रेजेंट है। व्हेन अ बीम ऑफ लाइट स्ट्राइक सच फाइन पार्टिकल्स द पाथ ऑफ द बीम बिकम्स विजिबल, ठीक है, तो कोई एक लाइट का बीम है, ठीक है, बीम यानी कि एक सिंगल रे हो लाइट का, उसको तो वो पार्टिकल्स को स्ट्राइक करता है तो वो उसका पाथ क्लियरली विजिबल हो जाए, ठीक है।
द लाइट रिचिस आफ्टर बींग रिफ्लेक्टेड डिफ्यूजली बाय दिस पार्टिकल्स, तो जो पार्टिकल्स है उसे डिफ्यूज होने के बाद ऑब्जर्वर की आइस में जाता है, ठीक है। द फिनोमिनन ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय द कोलोइड पार्टिकल्स गिव्स राइज टू टिंडल इफेक्ट विच यू हैव स्टडीड इन क्लास 9। तो ये जो लाइट का जो स्कैटरिंग हो रहा है कोलोइड पार्टिकल्स की वजह से, वो एक इफेक्ट को राइज करता है, वो है टिंडल इफेक्ट। दिस फिनोमिनन इज सीन व्हेन अ फाइन बीम ऑफ लाइट एंटर्स अ स्मोक फिल्ड रूम थ्रू अ स्मॉल होल, ठीक है। तो इसको समझते हैं किस तरह से, तो एक रूम लिया है, ठीक है, अब उसमें क्या है, बीम ऑफ सनलाइट एंटर्स, तो सपोज यहाँ से एक होल किया है तो वहाँ से सनलाइट का एक बीम आ रहा है, ठीक है। तो और जो रूम है वो स्मोक फील्ड है, तो उसके अंदर पूरा स्मोक है, धुआं धुआं सा है, ठीक है। तो उसमें स्मोक में बहुत सारे पार्टिकल्स भी हो गए, ठीक। तो क्या हो रहा है कि तो लाइट का जो स्कैटरिंग हो रहा है उसकी वजह से पार्टिकल्स होते हैं वो विजिबल हो जाते हैं, एकदम शाइनी जैसे लगते हैं हम देखते हैं तो, ठीक है। टिंडल इफेक्ट कैन बी ऑब्जर्व व्हेन सनलाइट पासिस थ्रू अ कैनोपी ऑफ अ डेंस फॉरेस्ट, ठीक है। तो डेंस फॉरेस्ट में भी सनलाइट पास होता है तो भी हम उसको देख सकते हैं। हियर टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स इन द मिस्ट स्कैटर लाइट, तो जो डेंस फॉरेस्ट है उसमें टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं वो लाइट को स्कैटर करते हैं। द कलर ऑफ द स्कैटर लाइट डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ द स्कैटरिंग पार्टिकल्स, तो जो पार्टिकल की साइज है उस पर डिपेंड करता है। सपोज ये स्मॉल पार्टिकल्स है, कुछ से बड़ा पार्टिकल है, कुछ से बड़ा पार्टिकल है, तो जो लाइट स्कैटर होती है तो वो उसके उसका जो कलर है तो उसके डिपेंड करता है, पार्टिकल्स के साइज पे डिपेंड करता है। वेरी फाइन पार्टिकल्स स्कैटर मेनली ब्लू लाइट व्हाइल पार्टिकल्स ऑफ लार्जर साइज स्कैटर लाइट ऑफ लॉन्गर वेवलेंथ, ठीक है। अगर वो बहुत ही स्मॉल है पार्टिकल की साइज तो वो लाइट ब्लू लाइट को स्कैटर करती है, ब्लू लाइट स्कैटर, ठीक है। तो इसी रीजन की वजह से हमें जो स्काई है वो ब्लू नज़र आता है, क्योंकि हमारे एटमोसफियर में बहुत सारे टाइनी पार्टिकल्स है बहुत स्मॉल साइज के, तो वो ब्लू लाइट को स्कैटर करते हैं। और बाकी के जो 6 कलर है, ठीक है, टोटल 7 कलर है, उसमें बाकी के जो 6 कलर है वो चले जाते हैं, वो स्कैटर नहीं होते, तो इस वजह से हमें स्काई ब्लू नज़र आता है। इफ़ द साइज ऑफ द स्कैटरिंग पार्टिकल्स इज लार्ज इनफ देन द स्कैटर्ड लाइट मे इवन अपीयर वाइट, ठीक है। अगर पार्टिकल की साइज बहुत बड़ी है और जो लाइट स्कैटर हो रही है तो वो वाइट नजर आएगी, ठीक है, क्योंकि उसे सारे हर एक वेवलेंथ के लाइट्स स्कैटर होगी। तो हमें जो 7 कलर्स हैं, ठीक है, वायोलेट, इंडिगो, रेड, येलो, ग्रीन, ठीक है, तो उन सबकी वेवलेंथ डिफरेंट डिफरेंट है, ठीक है, तो उस वजह से कुछ कलर स्कैटर हो गए कुछ नहीं हो गए, तो ठीक है। तो ये देख लेते हैं नेक्स्ट है, Why is the color of the clear sky blue? तो जो हमारा जो sky है उसका color blue क्यों है, ठीक है। The molecules of air and other fine particles in the atmosphere have size smaller than the wavelength of visible light, ठीक है। तो हमारे जो air में कुछ molecules है उसकी size है वो visible light की wavelength से कम है। These are more effective in scattering light of shorter wavelengths at the blue end and then light of longer wavelengths at the red end, ठीक है। तो जो ब्लू लाइट है उसकी वेवलेंथ कम है और जो रेड लाइट है उसकी वेवलेंथ ज़्यादा है, ठीक है। द रेड लाइट हैज़ अ वेवलेंथ अबाउट 1.8 टाइम्स ग्रेटर देन ब्लू लाइट, ठीक है। तो रेड लाइट की हाई वेवलेंथ है और ब्लू की लो वेवलेंथ, तो इस वजह से क्या हो रहा है कि डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। दस व्हेन सनलाइट पासिस थ्रू द एटमोस्फियर द फाइन पार्टिकल्स इन एयर स्कैटर द ब्लू कलर, जिसकी शॉर्टर वेवलेंथ है, ब्लू कलर स्कैटर होता है, ठीक है। तो ये हमारा अर्थ है, ठीक, और ये हमारा एटमोस्फियर है, अर्थ के अराउंड जो एटमोस्फियर है वो जब सनलाइट रीच होती है तो बेसिकली क्या होता है, जो पार्टिकल्स होते हैं उस वजह से ब्लू लाइट ज़्यादा स्कैटर होती है,
और जो बाकी के कलर्स है वो अर्थ पे आ जाते डायरेक्ट, तो ब्लू लाइट स्कैटरिंग। ठीक, मोर स्ट्रॉन्गली देन रेड, तो मतलब मेनली ब्लू लाइट का ही स्कैटरिंग होता है, रेड का नहीं होता है। द स्कैटर ब्लू लाइट एंटर्स अवर आइज, तो जो स्कैटर ब्लू लाइट है वो हमारी आइज में एंटर होती है। इफ द अर्थ हैड नो एटमोस्फियर देयर वुड बी नॉट हैव बीन एनी स्कैटरिंग, अगर कोई एटमोसफियर ना होता तो कोई पार्टिकल्स ना होते तो स्कैटरिंग नहीं होता। अगर जो अर्थ ना एटमोसफियर ना होता तो स्काई वुड हैव लुक्ड डार्क, डार्क यानी कि जो हमारे डायरेक्टली जो वैक्यूम है वही दिखाई देता, तो स्काई वुड हैव लुक डार्क। लेकिन जो स्कैटरिंग हो रहा है, जो हमारे जो एटमोसफियर में एयर में जो पार्टिकल्स है उसकी वजह से ब्लू लाइट का स्कैटरिंग हो रहा है और रेड का नहीं हो रहा है, बहुत कम हो रहा है, इसलिए हमारा स्काई ब्लू नजर आता है। द स्काई अपीयर्स डार्क टू पैसेंजर्स फ्लाइंग एट वेरी हाई एल्टीट्यूड्स, ठीक है, तो बहुत ही हाई एल्टीट्यूड पे अगर कोई पैसेंजर्स फ्लाइंग कर रहे हैं, ठीक है, हमारे एटमोसफियर में बहुत सारे ट्रोपोस्फियर स्टेटोस्फियर, तो अगर बहुत ऊपर की रीजन में पैसेंजर फ्लाई कर रहा है, ठीक, तो वो स्काई डार्क अपीयर होता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे स्कैटरिंग कम दिखाई देता है, जहाँ स्कैटरिंग रीजन है उसके ऊपर से कोई ट्रैवल कर रहा है, ठीक है, हमारे एटमोसफियर में, तो वहाँ से स्काई डार्क नजर आता है। एज स्कैटरिंग इज नॉट प्रोमिनेंट एट सच हाइट, वहाँ पे स्कैटरिंग बहुत कम है, इस वजह से यू माइट हैव ऑब्जर्व दैट डेंजर सिग्नल लाइट्स आर रेड इन कलर, ठीक है, तो हमने देखा होगा कहीं पे भी जो डेंजर का होगा साइन तो वो रेड कलर होगा, ठीक है। डू यू नो व्हाई द रेड इज लीस्ट स्कैटर्ड बाय फॉग और स्मोक, तो जब भी आग लगती है, ठीक है, डेंजर साइन कहाँ होती है, मेनली जहाँ पे आग लगती है या कोई ब्लास्ट होता है वहाँ, तो वहाँ पे क्या होगा, स्मोक जनरेट होगा, ठीक है, तो उस वजह से अगर स्मोक होगा तो पार्टिकल्स होगा, तो उस वजह से वहाँ पे डस्ट भी बहुत होगी और पार्टिकल्स भी बहुत सारे होंगे, तो उस वजह से लाइट भी बहुत स्कैटर होगी। तो रेड लाइट है, ठीक है, तो सिग्नल की लाइट रेड क्यों रखते हैं, ताकि वो रेड लाइट्स कम स्कैटर हो, ठीक है, बाय फॉग और स्मोक, देयरफॉर इट कैन बी सीन इन द सेम कलर एट अ डिस्टेंस, तो डिस्टेंस से भी उसको क्लियरली विजिबल रहे, इसलिए बाकी के कलर की लाइट होती तो नहीं हो पाती, इसलिए कहीं पे भी डेंजर सिग्नल साइन हो तो वो रेड कलर में ही होती है। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में कलर ऑफ द सन एट सनराइज एंड सनसेट उसके ऊपर स्टडी करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है 11.6.3 कलर ऑफ द सन एट सनराइज एंड सनसेट। ठीक है, तो सनराइज और सनसेट के ड्यूरिंग क्या होता है कि जो सनलाइट आती है तो वो स्कैटर हो जाती है, उसमें से ब्लू लाइट स्कैटर हो जाती है और जो रेडिश पोर्शन है जो व्हाइट लाइट का 7 कलर्स में, उस वजह से सन है वो सनराइज और सनसेट के टाइम पे रेडिश नजर आता है। ठीक है, तो रेनबो के कलर्स का फॉर्मूला है वायोलेट इंडिगो ब्लू ग्रीन येलो ऑरेंज एंड रेड। ठीक है, तो सनलाइट है तो वो व्हाइट लाइट है, तो वो ये 7 कलर्स की बनी हुई है, तो उसमें से क्या होता है कि जो ब्लू कलर इंडिगो वायलेट है तो उसमें ब्लूइश कलर्स का जो पोर्शन है वो स्कैटर हो जाता है और जो रेड साइड का है वो रहता है, उस वजह से सनराइज और सनसेट के ड्यूरिंग सन का कलर रेडिश नजर आता है। ठीक है, तो यही थियरी है, देख लेते हैं। हैव यू सीन द स्काई एंड द सन एट सनसेट और सनराइज, ठीक है, हैव यू वंडर एज टू व्हाई द सन एंड द सराउंडिंग स्काई अपीयर्स रेड। ठीक है, तो ड्यूरिंग सनराइज और सनसेट जो स्काई होता है वो भी रेड अपीयर होता है और सन भी रेड अपीयर होता है। लेट अस डू एन एक्टिविटी टू अंडरस्टैंड द ब्लू कलर ऑफ द स्काई एंड द रेडिश अपीयरेंस ऑफ द सन एट द सनराइज एंड और सनसेट। तो स्काई का कलर ब्लू क्यों होता है, ठीक है, सनराइज और सनसेट के टाइम, और जो सन का कलर है वो रेडिश क्यों होता है ड्यूरिंग सनराइज एंड सनसेट। तो उसके लिए एक एक्टिविटी दी हुई है, तो उस एक्टिविटी में क्या है मैं शॉर्ट में बता देता हूँ। ये जो थियर डायग्राम है, एन अरेंजमेंट फॉर ऑब्जर्विंग स्कैटरिंग ऑफ लाइट इन कोलोइडल सॉल्यूशन। तो यहाँ पे एक लाइट सोर्स है, ठीक है, यहाँ पे एक लेंस रखा है, वो लाइट सोर्स से लाइट्स आ रही है, फिर वो रिफ्रैक्ट होकर पैरेलल बीम जा रहा है, तो ये पूरा एक सॉल्यूशन भरा हुआ है, ठीक है, उसमें से पास हो रही है, उसके बाद यहाँ पे होल है, उसमें से लेंस टू में जाके यहाँ पे जो फाइनल स्क्रीन है एमएन स्क्रीन उसके ऊपर इंसिडेंट हो रही है। ठीक है, अब क्या होगा, तो पहले हम देख रहे थे तो वाइट लाइट है, तो वाइट लाइट हो रही है स्क्रीन पे, लेकिन अब यहाँ पे कोलोइडल सॉल्यूशन ले लिया, ठीक है, जो सॉल्यूशन है उसमें कुछ केमिकल्स डाले, ठीक, उसमें सल्फर पार्टिकल्स
हो रहा है, ये पूरा एक एक्टिविटी है, उसमें मेंशन है सोडियम थायोसल्फेट ठीक और सल्फ्यूरिक एसिड वो डाला, तो उससे सॉलिड कोलोइडल हो गया, यानी कि उस जो सॉल्यूशन है उसके अंदर कोलोइडल पार्टिकल्स हो गए। तो उस वजह से क्या हुआ कि ये जो लाइट है वाइट लाइट, उसमें से जो ब्लू लाइट है तो वो स्कैटर हो गई, तो जो बाकी की लाइट बची रेड और वो, तो वही जा रही है आगे, क्योंकि ब्लू स्कैटर हो गई तो बाकी कौन से कलर्स बचे, बाकी कलर्स तो वो जा रहे हैं, तो स्क्रीन पे हमें रेडिश नज़र आएगा ठीक। तो यही प्रिंसिपल सनराइज और सनसेट के ड्यूरिंग होता है, कि जब सनराइज और सनसेट होता है ठीक, तब जो हमारे एयर में जो पार्टिकल्स है वो ब्लू लाइट को स्कैटर कर देते हैं और बाकी का जो रेड लाइट है वो नज़र आता है ठीक। इसलिए स्काई ब्लू नज़र आता है और जो सन है वो रेडिश नज़र आता है। पहले से पूरी एक्टिविटी को देख लेते हैं। प्लेस अ स्ट्रॉन्ग सोर्स ऑफ व्हाइट लाइट एट द फोकस ऑफ अ कन्वर्जिंग लेंस L1। दिस लेंस प्रोवाइड्स अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट। तो यहाँ पे एक सोर्स रखा और लेंस रखा, तो उससे पैरेलल लाइट का बीम जनरेट होगा। अलाउ द लाइट बीम टू पास थ्रू अ ट्रांसपेरेंट ग्लास टैंक टी कंटेनिंग क्लियर वाटर। तो पहले हमने क्लियर वाटर लिया, उसके बाद उसको कोलोइड कर देंगे। अलाउ द बीम ऑफ लाइट टू पास थ्रू अ सर्कुलर होल मेड इन द कार्डबोर्ड। तो यहाँ पे एक सर्कुलर होल किया है कार्डबोर्ड में। ऑब्टेन अ शार्प इमेज ऑफ द सर्क्यूलर होल ऑन अ स्क्रीन MN यूजिंग सेकंड कन्वर्जिंग लेंस L2 एज शोन इन फिगर। दूसरा ही कन्वर्जिंग लेंस लिया, उससे जो होल है उससे जो लाइट्स आ रहे हैं उसकी इमेज फॉर्म होगी। डिजोल्व अबाउट 200 ग्राम ऑफ सोडियम थायोसल्फेट हाइपो इन अबाउट 2 लीटर ऑफ क्लीन वाटर टेकन इन द टैंक। तो पहला जो हमने क्लीन वाटर लिया था उसके अंदर सोडियम थायोसल्फेट 200 ग्राम डिजोल्व करना है और 1 to 2 ml ऑफ कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड टू द वाटर, और सल्फ्यूरिक एसिड उसमें ऐड करना है। व्हाट डू यू ऑब्जर्व। तो अब क्या होगा, यू विल फाइंड फाइन माइक्रोस्कोपिक सल्फर पार्टिकल्स प्रेसिपिटेटिंग इन अबाउट 2 to 3 minutes। तो इससे क्या होगा कि जो माइक्रोस्कोपिक सल्फर पार्टिकल्स है वो सॉल्यूशन में प्रेसिपिटेट हो जाएंगे ठीक है, इस तरह से छोटे छोटे पार्टिकल। यू कैन ऑब्जर्व द ब्लू लाइट फ्रॉम द 3 sides ऑफ द ग्लास टैंक। अब हम ग्लास टैंक की साइड से हम देखेंगे ठीक है, तो हमें ब्लू लाइट स्कैटर होती नजर आएगी ठीक है हर एक डिरेक्शन में। दिस इज ड्यू टू द स्कैटरिंग ऑफ शॉर्ट वेवलेंथ्स बाय मिनट कोलोइडल सल्फर पार्टिकल। तो सल्फर पार्टिकल की वजह से ब्लू लाइट स्कैटर होगी ठीक है। ऑब्जर्व द कलर ऑफ द ट्रांसमिटेड लाइट फ्रॉम द 4th side ऑफ द ग्लास टैंक फेसिंग द सर्क्यूलर होल। अब जो ट्रांसमिट हो रहा है लाइट उसका कलर हम ऑब्जर्व करेंगे यहाँ स्क्रीन से। इट इज इंटरेस्टिंग टू ऑब्जर्व एट फर्स्ट द ऑरेंज रेड कलर एंड देन ब्राइट क्रिम्सन रेड कलर ऑन द स्क्रीन ठीक है। तो उसमें 2 color नजर आएंगे, एक ऑरेंज रेड कलर और ब्राइट क्रिम्सन रेड कलर, यानी कि जो ग्रीन कलर की लाइट है वो स्कैटर हो गई और नीचे के जो येलो ऑरेंज रेड है तो वो स्क्रीन पे नजर आएगी। तो ये एक्सपेरिमेंट आपको समझ में आ गया, तो ये एक्टिविटी भी इजी है समझने के लिए, बहुत इजी है। दिस एक्टिविटी डेमोन्स्ट्रेट द स्कैटरिंग ऑफ लाइट दैट हेल्प्स यू अंडरस्टैंड द ब्लूइश कलर ऑफ द स्काई एंड द रेडिश अपेरेंस ऑफ द सन एट द सनराइज और द सनसेट। तो सनराइज और सनसेट के टाइम में क्या होता है कि सनलाइट है जो मैक्सिमम एटमोसफियर पास होती है, और जब नून होता है तब वो बहुत ही लेस पास होती है। अब ये डिस्टेंस देखिए तो ये कम है और ये बहुत ज़्यादा है ठीक है। तो सनसेट और सनराइज के टाइम लाइट्स एटमोसफियर में बहुत ट्रैवल करती है, तो उस वजह से क्या होता है कि पार्टिकल्स है वो ब्लू लाइट स्कैटर हो जाती है, और तो ब्लू लाइट स्कैटर हो गई तो वाइट लाइट में से जो कंपोनेंट बचे बाकी है वो रेड लाइट, तो वो रेड लाइट ऑब्जर्वर्स की आईज में जाती है और ब्लू लाइट स्कैटर हो गई ठीक है। तो ऑब्जर्वर जो स्काई की ओर देखेगा तो उसको ब्लू कलर नजर आएगा, लेकिन सन की ओर देखेगा तो वो रेडिश नजर आएगा ठीक। और जब दोपहर के टाइम में होगा तो क्या होगा कि बहुत लेस ट्रैवल कर रही है, तो इसलिए वो स्कैटर होगी वो ब्लू लाइट, लेकिन वो बहुत कम स्कैटर होगी क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंस मतलब एयर में जो ट्रैवल है वो बहुत कम है, तो इसके वजह से एयर में जो कोलोइड पार्टिकल्स है उससे स्कैटरिंग भी कम होगा, क्योंकि कम एयर में से पास हो रही है जो डिस्टेंस कम है, तो इस वजह से तो वो लेस ब्लू स्कैटर्ड और सन वाइट जैसा नजर आएगा ठीक।
लाइट फ्रॉम द सन नियर द होरिजोन पासिस थ्रू थिकर लेयर्स ऑफ एयर एंड लार्जर डिस्टेंस इन द अर्थ एटमोस्फियर बिफोर रीचिंग आवर आइस। तो यहाँ से जो लाइट आ रही है तो ऑब्जर्व की आइस में आएंगी, उससे पहले लॉन्गर डिस्टेंस कवर करेंगे, ठीक है, सनसेट और सनराइज के ड्यूरेशन में। हाउएवर द लाइट और स्कैटर भी होगी, ब्लू लाइट स्कैटर हो जाएगी तो रेड इस बचेगी, तो रेड ऑब्जर्व की आइस में जाएगी, फिर ऑब्जर्व को सन रेड नजर आएगा। हाउएवर लाइट फ्रॉम द सन ओवर हेड वुड ट्रेवल रिलेटिवली शॉर्टर डिस्टेंस। तो जब सन ओवर हेड होगा दोपहर के वक्त में तो उसको कम डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा अर्थ के एटमोसफेयर में। एट नून द सन अपियर्स वाइट एज ओनली लिटल ऑफ ब्लू एंड वायलट कलर्स आर स्कैटर्ड। तो ब्लू और वायलट कलर वो बहुत ही लेस स्कैटर्ड हो गए, तो उस वजह से सन वाइट नजर आएगा। सन की जो लाइट्स है वो वाइट कलर की है, ठीक है, सेवन कलर्स हैं, विब ग्योर रेनबो के कलर्स है सेवन। नियर द होरिजन मोस्ट ऑफ द ब्लू लाइट एंड शॉर्टर वेवलेंथ्स आर स्कैटर्ड अवे बाय पार्टिकल्स। तो जो वायलट इंडिगो और ब्लू है तो वो सनराइज और सनसेट के ड्यूरेशन में स्कैटर हो जाएगी। देयरफॉर द लाइट दैट रीचेस अवर आई इज ऑफ लॉन्गर वेवलेंथ। तो जो ब्लू कलर स्कैटर हो गया तो बाकी बची रेड, तो रेड ऑब्जर्व की आइस में जाएगी। दिस गिव्स राइज टू द रेडियस अपीयरेंस ऑफ द सन। ठीक है, इस वजह सन रेडियस अपीयर होगा सनसेट और सनराइज के ड्यूरेशन में। ठीक, तो फिगर देख लीजिए, रिडनिंग ऑफ द सन एट सनराइज एंड सनसेट। तो सनराइज और सनसेट इस तरह से, सनसेट सपोज ये सनराइज है तो ये सनसेट होगा, ठीक है, और ये दोपहर का वक्त है ओवर हेड टाइम, मतलब दोपहर के 12 बजे सोच सकते हैं। थैंक यू सो मच, यहाँ पे चैप्टर फिनिश हो रहा है।